हेलो एवरीवन वन एज पार्ट ऑफ अकेडेमिक ट्रेनिंग हम आज बात करेंगे टॉपिक व्हिच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इज़ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कि इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन किसे हम कहते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मददगार होती है और कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है लैंग्वेज हो या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो एक ऐसा टूल है जिसके वजह से एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप प्रॉपर बिल्डअप किया जा सकता है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से वाट एग्जैक्टली द टेक्निक्स वी फॉलो इन थेरेपिटिक कम्युनिकेशन कौन सी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड वाट इज़ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है तो आमतौर पर हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हम बातें करते हैं तो एक उसमें जैसे हम सिंपल से कहें तो कम्युनिकेशन में एक रिसीवर होता है एक सेंडर होता है और उन दोनों के बीच में या फिर आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन राइट right? तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बनता है जब हम कुछ स्पेसिफिक चीजों का ध्यान रखें करेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ए ट्रांसैक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर हम बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन द ट्रांसेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आर पार्टिसिपेटिंग साइमल्टेनियसली इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सेंडर और रिसीवर और सेंडर एक मैसेज या फिर एक थॉट या फिर एक आइडिया ट्रांसफ़र करता है और वो ट्रांसैक्शन मॉडल की तरफ से रिसीवर को परसीव करता है कि सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है और ये साइमल्टेनियसली एक सर्कल में चलते ही रहता है देन अगेन सेंडर रिसीवर बन जाता है रिसीवर सेंडर बन जाता है द सेम वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस नेक्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक कम्युनिकेशनस कम्युनिकेशन हम दो तरीके से करते हैं एक तो वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं चीज़ों को और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बातें या वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता हमारे हैंड मोमेंट्स फेशियल एक्सप्रेशन टच आई बिहेवियर आई मोमेंट ये सारी चीज़ें हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं तो हम वन बाई वन देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्स्ट वन फिज़िकल अपेयरेंस एंड ड्रेस इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल एक इंसान के फिज़िकल अपीरेंस पर हम बता सकते हैं कि वेयर ही बिलोंग्स टू क्या उसका रिलीजियन है या फिर कहाँ से वो बिलोंग करता है कौन से पार्ट ऑफ द कंट्री या फिर कौन से पार्ट ऑफ़ द वर्ल्ड ग्लोब वो बिलोंग करता है वो हमें उसके ड्रेस एंड उसके अपीरियंस से पता चलेगा फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं कि साउथ इंडियन होंगे तो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस होगा लुंगी पहनना वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है साड़ी वेरी कॉमनली पहना जाता है साउथ इंडिया की तरफ से वेर एज़ अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर पंजाब के साइड देखेंगे तो सिख कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनकी दाढ़ी होती है सर पे पगड़ी बांधते हैं राइट right? uh, कुर्ता पायजामा ज्यादा पहनते हैं तो ऐसे हर एक अलग अलग जगह का अलग अलग ड्रेस फॉर्म है ड्रेस कोड है जो कि कहीं ना कहीं एक बिना बोले एक मैसेज कन्वे करता है नॉट ओनली दैट इवन द फिजिकल अपीरियंस जैसे हम बोल रहे थे दाढ़ी रखना दाढ़ी नहीं रखना मुछे रखना मुछे नहीं रखना बाल लंबे रखना बाल छोटे रखना जिस तरह का उनका फिजिकल अपीरियंस है वो भी बहुत सारे मैसेज कम्युनिकेट करता है अगर सिंपल तरीके से हम बताएं तो दाढ़ी है मूंछ नहीं है तो रिलीजन बता देता है मुस्लिम है राइट मूंछ दाढ़ी दोनों है, सर पे पगड़ी है तो सिख पता चल जाता है कि सिख हैं ऐसे ही यूजुअली उनके फिजिकल अपीरेंस और उनके ड्रेस से बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं जो कि जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है दैट्स द फर्स्ट वन एज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज बॉडी मोमेंट हो बॉडी पॉस्चर हो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने में बहुत मददगार होता है फॉर एग्जाम्पल आप जब बात करते टाइम पे कोई इंडिविजुअल अगर अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा है तो उसके फिंगर पॉइंटेड होंगे और वो ज़्यादा फॉरवर्ड लीन किया हुआ होगा आगे की तरफ झुका हुआ होगा और हावी हो चुका है ऐसे वाला उसके बॉडी पोस्चर से दर्शाता है नॉट ओनली दैट अगर अगर इन टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में बिल्ट अप करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी उनके बॉडी पोस्चर से हमें पता चल जाता है राइट ये भी कही कहीं ना कहीं बॉडी मोमेंट और जिस तरह से हम खड़े होते हैं जिस तरह से हम बात करते हैं ये भी बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करता है फॉर एग्जाम्पल मेल्स होते हैं तो वाइड लेग्स रख के लेग्स को थोड़ा वाइडन करके खड़े होते हैं जब वो बैठते हैं तो लेग्स करके थोड़ा कम बैठते हैं कंपेरेटिवली फीमेल्स फीमेल्स होते हैं लेग क्रॉस्ड करके बैठते हैं करेक्ट तो ऐसे बॉडी पोस्चर्स और बॉडी मोमेंट भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं राइट right? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टच की टच आल्सो गिव्स अस कि कितना इंटेंस रिलेशनशिप है उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कितना गहरा है किस हद तक है वो भी हमें क्लियर आइडिया देता है फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट मीटिंग में किसी के साथ मिलते हैं तो हम शेक हैंड करते हैं अगर वही कोई गहरा दोस्त होगा हमारा या कोई फ्रेंड है तो हम गले भी मिलते हैं हाथ शोल्डर्स पे हाथ भी रख सकते हैं तो ये सारे कही न कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं कि उनका रिलेशनशिप कितना इंटेंस है राइट right? तो टच आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और थेरेपिटिक कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप में टच बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे हम बोलते हैं पेशेंट को बहुत बार हम टच भी करते हैं टच करने की ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ वाइटल्स चेक करने के लिए हो या फिर कोई मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए हो तो अगर हम शोल्डर पे हाथ रख के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि हमारा एक uh, रिलेशनशिप काफी बेहतर है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक काफी बेहतर है एज वो ये भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट ट्रस्ट से वो आपके ऊपर विश्वास रखता है और आपके एडवाइस जो भी है सजेशन वो सीरियसली लेते हैं राइट ये कहीं ना कहीं एक उनके रिलेशनशिप कितना गहरा है वो बताने के लिए मददगार होता है सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ मेन आस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हमने कहा फिजिकल अपियरेंस स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज बॉडी मूवमेंट एंड पॉस्चर थर्ड वन इज टच और नेक्स्ट कौन सा है नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशंस हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत सारा चीज़ कम्युनिकेट करने में मददगार होता है जैसे Uh, अगर मैं गुस्सा हूँ तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा मैं खुश हूँ तो भी मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा नॉट ओनली दैट इवन द आईब्रोज आई मोमेंट या फिर मेरे नॉस्ट्रिल्स नोज अगर नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं गुस्से में हूँ अगर आईब्रोज में ऐसे श्रिंक करता हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं डाउट में हूँ या फिर ऐसे आईब्रोज अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो मतलब चौंके हुए हैं या फिर शॉक में है कि या फिर समझ में नहीं आया कि वॉट दे आर ट्राइंग टू से सो हर एक फेशियल एक्सप्रेशन गिव्स यू आइडिया की मतलब व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट राइट सो फेशियल एक्सप्रेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल 80 परसेंट ऑफ द कम्युनिकेशन 70 टू 80 परसेंट ऑफ द कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन से ही होता है नॉट रिली नेसेसरी कि बहुत बार वर्ड का उसमें इस्तेमाल हो सो फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं आई 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 बिहेवियर 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 एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हमें बहुत सारी चीजें बिना बताए पता चल जाती है इफ समबडी इज लिसनिंग टू यू अगर वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं इसका मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स या फिर कोई रेगुलरली कंटिन्यूसली आपको घूर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप आ, उस चीज से ऑफेंड हो जाते हैं जैसे किसी फीमेल को कोई मेल अगर लंबे टाइम के लिए वो भी डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है कितने टाइम के लिए देख रहा है तो और कितने देर के लिए आई कांटेक्ट बनी हुई है तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंटिन्यूसली घूर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे में ये डाउट ज़रूर आता है कि मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है क्या मैं थोड़ा इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस किया हूँ क्या दिक्कत है कोई क्या प्रॉब्लम है कि ये मेरे को ऐसे देख रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉन वर्पल कम्युनिकेशन नॉट ओनली दिस इवन जितने देर तक हम देखते हैं जैसे कि कोई एफेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू होना है तो आई कॉन्टैक्ट से ही शुरू होता है और आई कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है इट विल टेक टू अ लॉजिकल एंड जहाँ पर अगर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था अगर रिसीवर uh, जैसे हमने कहा सेंडर इज द मैसेज जो डिलीवर करता है और रिसीवर जो उसको रिसीव करता है तो रिसीवर अगर प्रॉपर आई कांटेक्ट और बॉडी पोस्चर सही से मेंटेन नहीं करता या फिर डिसइंटरेस्टेड लगता है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बिल्ट अप होने में दिक्कत होती है तो आई बिहेवियर इल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन नेक्स्ट हम बात करें वोकल क्यूज वोकल क्यूज जैसे कि ये भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि मतलब कितना वो इंटरेस्टेड है उन चीज़ों में कितना वो इफेक्टिव तरीके से आपको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बहुत बार ऐसे होता है कि कोई कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है वोकल क्यूज एक एक्सप्लोरिंग तरीके से शुरू होती है कि मतलब एक ब्रॉड ओपनिंग जैसे आ, अगर कोई कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है आप जस्ट उसको नोट करते हो या फिर ऐसे वोकल क्यूज का यूज करते हो तो मतलब आई एम इंटरेस्टेड एंड यू कैन एक्सप्लेन फर्दर मोर और आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये कहीं ना कहीं वो हिंट होता है सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नेक्स्ट मूविंग अ अब हम बात करते हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की थेरेपेटिक कम्युनिकेशन क्या है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम पेशेंट हो या पेशेंट के केयरगीवर हो उनको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में समझने में ऑन ए इमोशनल वे उनको इन थेरेपेटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर कन्वेइंग द मैसेजेस तो थेरेपेटिक तो कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं क्या क्या चीज़ें उनमें देखी जाती हैं हम एक एक करके देखेंगे तो फर्स्ट वन हम बात कर रहे थे थेरेपिटिक कम्युनिकेशन में दैट इज़ यूजिंग साइलेंस साइलेंस बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बोल देता है अगर हम साइलेंटली किसी की बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब वी आर कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन देर टॉक्स और वो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं तो यूजिंग साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार साइकेट्रिक कंडीशंस में पेशेंट ऐसे होते हैं पेशेंट बोलना चाहता है लेकिन सामने सुनने वाला कोई नहीं है फैमिली मेम्बर कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही करता है ये तो इसकी आदत बन चुकी है ये तो ये चीज़ है ये ऐसे ही बोलते रहता है लेकिन एक एफेक्टिव नर्स इन थेरेपेटिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक कम्युनिकेशन को लॉजिकल एंड पे ले जा सकते हैं जिसमें कि सबसे बड़ा रोल है साइलेंस जिस तरह से हम साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं और जैसे मैंने कहा था कि कोई भी ब्रॉड ओपनिंग के लिए हो या फिर कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस के लिए हो साइलेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे सेंडर आपको कुछ बताता है और आप साइलेंटली उस चीज़ को सुन रहे हो इट शोज दैट की यू आर इंटरेस्टेड टू लिसन फर्दर मोर नेक्स्ट वन नेक्स्ट हम बात करें एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग जहाँ पर आप पेशेंट को हिंट दे रहे हो यस आई अंडरस्टैंड वॉट यू सेट यस मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो राइट right? तो मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो मतलब वो आगे और कम्युनिकेशन डेवलप होगी वो फर्दर आपको और चीज़ें बताएगा तो सेकेंड टेक्निक इज एक्सेप्टिंग जिसमें हम ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन इफेक्टिव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में मददगार होती है पहले साइलेंस यूजिंग साइलेंस जब अप्रोप्रिएट जगह पे साइलेंस का यूज़ करना सेकेंड वन एक्सेप्टिंग थर्ड हम बात कर रहे हैं गिविंग रिकग्नीशन गिविंग रिकग्नीशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट ना करें कि हाँ तुमने बहुत बढ़िया काम किया नहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ जैसा कि मैं देख रही हूँ जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जहाँ पे नर्स उस बच्चे को बोल रही है कि जैसा कि मैं देख रही हूँ तुमने अपना बेड बना लिया आई सी यू मेड यूर बेड कि मतलब मैं रिकोगनाइज़ भी कर रही हूँ कि ये चीज़ें आपने की है और एट द सेम टाइम पेशेंट को कॉन्फिडेंस बिल्टअअप करने पर भी, भी मददगार होता है राइट So, इसको हम बोलते हैं गिविंग रिकोगेशन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑफरिंग सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बींग एन नर्स बहुत बार पेशेंट अपने आप को लोनली महसूस करते हैं अकेला महसूस करते हैं उस दौरान नर्स एक कंपेनियन के तौर पे एक फ्रेंड के तौर पे एक केयर टेकर के तौर पे पेशेंट को अपने आप को ऑफ़र कर सकते हैं ऑफरिंग इन द सेंस कि यस मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ आई विल लिसन टू यू वॉट यू वॉन्ट टू से आप जो बोलना चाहते हैं मुन सुनने के लिए तैयार हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एक अकेला महसूस कर रहा है दूसरा उसको जाके पूछ रहा है कि हम आज का खाना साथ में खाएंगे तो मतलब अपने आप को वो ऑफर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी सो so, ये पेशेंट और नर्स के ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनाने में बहुत इफेक्टिव चीज़ है जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि संबड़ी इज़ देयर टू लुकआफ्टी कोई मेरी देखभाल करने के लिए है कोई अपने आप को मेरे केयर के लिए डेडिकेट करने के लिए तैयार है तो ये कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे बन जाता है इन टर्म ऑफ पेशेंट एंड नर्स रिलेशनशिप नेक्स्ट मूविंग अहेड गिविंग ब्रॉड ओपनिंग्स ब्रॉड ओपनिंग का मतलब होता है आप कम्युनिकेशन ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ करें ना कि यस और नो में ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि वट डू यू थिंक वो एक ब्रॉड ओपनिंग हो गई जहाँ पे पेशेंट जो सोच रहा है उसको एक सीक्वेंस में रख के वो आपको बता सकता है तो हमेशा आप Broad या open -ended का करें, in terms of तो आपको उन सीक्वेंस को टाइम में रखना है अच्छा तो पहले ये हुआ था ओके उससे पहले क्या हुआ अच्छा उसके दौरान क्या हुआ था तो मतलब कहीं ना कहीं इससे दो फायदे होते हैं एक तो आपको समझने में आसानी रहेगी और दूसरी चीज़ पेशेंट को पता है कि आप एक्टिवली सुन रहे हो राइट right? तो इसीलिए प्लेसिंग द इवेंट इन सिक्वेंस ऑफ टाइम वो रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू अप द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आप कॉर्नर में एक टिक मार्क देख रहे हैं ग्रीन वाला ये इंडिकेट करता है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए राइट नेक्स्ट मूविंग अ हैड डिस्क्रिप्शन ऑफ परसेप्शंस मतलब जो पेशेंट परसीव कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने का मौका दें ये ज़्यादातर हैलिसनेटरी बिहेवियर में बहुत मददगार होता है तो जहाँ पे आप पेशेंट को एड्रेस करके पूछते हैं कि मतलब व्हाट यू आर परसीविंग आवाज़ें आपको क्या कह रही है क्या बोल रही है जहाँ पे पेशेंट उसको डिस्क्राइब कर सकता है आप तो ये कहीं ना कहीं एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप करने में मददगार होगा तो एनकरेजिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ परसैप्शन क्या पेशेंट महसूस कर रहा है उसके बारे में बताने के लिए नेक्स्ट वन इज ऑफरिंग जनरल लीड्स ऑफरिंग जनरल लीड्स मतलब अच्छा और बताइए हाँ कैसे हुआ अच्छा उसके बाद क्या हुआ तो मतलब दीज आर द जनरल लीड्स क्वेश्चन ये मतलब और आप आगे बता सकते हैं जहाँ पे पेशेंट का इंटरेस्ट भी होगा आपसे बात करने में क्योंकि आप एक्टिवली सुन रहे हो नॉट ओनली दैट एंड वर एक थेरेपिटिक तरीके से उनसे बात कर रहे हो राइट सो दिस इज द अदर पॉइंट दैट इज ऑफरिंग द जनरल लीड्स ये सारी चीज़ें करना जरूरी है नेक्स्ट वन मेकिंग ऑब्जर्वेशंस एक इफेक्टिव नर्स वही होते हैं जो पेशेंट बहुत बार बिना बोले समझे जो पेशेंट जो कहना चाहता है वो समझना है फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल रिकग्नाइज कर रहा है कि दूसरा बंदा टेंस्ट है सो so, जहाँ पे वो फील कर रहा है उसको वो वर्बलाइज कर रहा है जो पेशेंट फील कर रहा है उसको एक नर्स वर्बलाइज कर सकती है कि हाँ जैसा कि मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो तो वहाँ पे पेशेंट को एक लगता है कि हाँ चलो ये ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं जहाँ पे वो खुल के बोल भी सकता है और बोलेगा भी बहुत बार पेशेंट बता भी देंगे आपको कि क्यों वो परेशान है क्या चीज़ हो रही है तो दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट वन इंकरेजिंग कंपेरिजन सो पिछले इवेंट्स को या इस इवेंट्स को या पिछले आ, कोई चीज़ें जो हुई हैं उसको या पिछला कोई सिचुएशन है उसको आपकी सिचुएशन में कंपेयर करके बता सकते हैं तो जहाँ पर हम बोलेंगे पेशेंट को इनक्रेज करें इन चीज़ को इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन अच्छा पिछली बार आपने ये दवाई ली थी कैसा महसूस हुआ था इस बार कैसा महसूस हो रहा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये कही कहीं ना कहीं लीड्स ले जाते हैं और एक एफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में मददगार होते हैं राइट तो एनकरेजिंग कंपेरिजन जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ये जोड़ लें कि पेशेंट ये कहता है कि आ, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा हूँ बहुत एंशियस महसूस कर रहा हूँ एकदम से घबराहट होती है मेरे को तो हम बोलेंगे ये सिचुएशन आपको पहले भी हुई थी तो उस टाइम से इस टाइम में डिफरेंस क्या है तो बोलेगा उस टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि मैं उस टाइम पे दवाइयाँ नहीं ले रहा था अभी फ़िलहाल तो मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ कंपेरेटिवली थोड़ा कम है तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट खुद मानेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मददगार है और जब वो बात करेगा तो आपको एक एफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिलने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा सो एनकरेजिंग कंपेरिजन दिस इज द अनदर टेक्निक ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आगे बात करते हैं रीस्टेटिंग रीस्टेटिंग का मतलब है पेशेंट जो बोल रहा है उसी को हम रिफ्रेस करके बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पेशेंट कह रही है आई कॉन्ट स्टडी माई माइंड कीप्स वॉन्डरिंग मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मेरा दिमाग हमेशा इधर उधर फोकस मेरा हट जाता है कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है उसी चीज को एक नर्स वापस से उनको बता रही है एक साइकैट्रिक नर्स हो या साइकोलॉजिस्ट हो वो ये बता रही है कि यू हैव डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब वो उन्होंने तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि क्या हो रहा है लेकिन उसका असली चीज क्या है कि उनको कॉन्सेंट्रेशन में मुश्किल हो रही है फोकस बनाने में मुश्किल हो रही है तो जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रीस्टेट करना है तो उसी को हम बोलते हैं रीस्टेटिंग राइट नेक्स्ट वन रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग बहुत बार रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये है जैसे कि मिरर में देख के हम रिफ्लेक्ट जो महसूस हो रहा है आप बीइंग ए नर्स वैसे ही बात करनी है तो पेशेंट बहुत बार बोलता है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है या फिर ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है तो आप पेशेंट को वही आइडियाज़ रिफ्लेक्ट करके बताइए कि अच्छा आपके साथ ये चीज़ हो रही है पिछले कुछ दिनों से आप ये कहना चाह रहे हैं तो मतलब पेशेंट उसको और एक्स्ट्रा एलेबरेट करके और थोड़ा एक्सपैंड करके बताएगा कि वो चीज़ क्या है और वो कैसे हो रही है दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट वन इज फोकसिंग बहुत बार टॉपिक कम्युनिकेशन के दौरान कुछ टॉपिक से भटक भी जाते हैं पेशेंट या फिर कुछ दूसरे टेंजेंट में भी बात शुरू हो जाती है लेकिन कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ को फोकस करना ज़रूरी है सो फॉर एग्जांपल हम बोले कि पेशेंट कुछ बता रहा है कोई हिंट दे रहा है उस दौरान पेशेंट एकदम से सुसाइडल रिलेटेड बात करने शुरू कर दिया कि बीच में मेरे को ये दिक्कत हुई थी ऐसे हुआ था और बीच में मैंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था और आगे चल के ये दिक्कत हुई फिर से मेरी लाइफ में ऐसे हुआ तो हम बोलते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सुसाइड वाला जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था वहाँ पे मेरे को और इन्फॉर्मेशन पेशेंट से चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करेंगे फिर उनसे सवाल करेंगे कि अच्छा ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है या ये पार्ट थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो क्या इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में बात करें तो इसका मतलब दैट इज़ नथिंग बट फोकसिंग फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द कॉन्वर्जेसन तो ये भी एक इफेक्टिव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग जहाँ पे पेशेंट को हम एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे हैं या इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करने के लिए मतलब और डिटेल में चीज़ें बताने के लिए बोलना है टेल मी मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे हमने कहा था रिसेंट सिचुएशन में हमने सुसाइड के ऊपर फोकस सुसाइड की बात हो रही थी तो हमने उस बीच वाले कॉन्वर्जेशन में फोकस किया था अब एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है उस पार्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन करें अच्छा टेल मी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मेरे को थोड़ा और जानकारी दो मतलब आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी मददगार होगा नेक्स्ट वन इज सीकिंग क्लैरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ठीक है सीकिंग क्लैरिफिकेशन मतलब पेशेंट बहुत बार जो भी बोलता है या कोई इंडिविजुअल बहुत बार चीज़ें बोलते हैं तो क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है क्या आप यही कह रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट कहता है कि आ, मुझे वो चीज़ करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मुझे बहुत दिनों से उन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है और मैं काम पर नहीं जाना चाहता क्योंकि काम पर मेरे को बुली होते रहता है या फिर काम पर ये चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे आपको उसी चीज़ को क्लैरिफाई करना है ये स्पेसिफिक सिर्फ वर्क रिलेटेड है या होम पे भी ये चीज़ है तो मतलब ये गिव्स यू द क्लैरिफिकेशन और उसी चीज़ को वैलिडेट भी करना है कि मतलब हाँ पेशेंट यही चीज़ बोल रहा है जो मैं समझ रहा हूँ तो उसी को हम बोलते हैं सीकिंग क्लैरिफिकेशन एंड वैलिडेशन नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंटिंग रियलिटी जैसे सच्चाई को पेशेंट को बताना कि दिस इज़ वॉट द रियलिटी इज़ जैसे हम कहते हैं देर इज नो वन एल्स इन द रूम बट यू नीड मी बट यू एंड मी जहाँ पे ये यूजुअली होता है जैसे हेलिजनेटरी बिहेवियर पेशेंट को पेशेंट बार बार आपको कंप्लेंट कर रहा है कि नहीं कमरे में कोई है या एंशियस पेशेंट भी बोलता है कि नहीं कोई साया है कोई है कमरे में मुझे महसूस हो रहा है मेरे को इस चीज़ से घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस दौरान सच्चाई से जो रियलिटी है उससे ओरिएंट कराना बहुत ज़रूरी है और वो कैसे कराएंगे इन टर्म्स ऑफ सेइंग द थिंग कि मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट बोल रहा है कि कमरे में कोई है मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है मुझे कुछ दिखाई भी दे रहा है तो उस दौरान आप रीअश्योर करें पेशेंट को कि कमरे में कोई नहीं है आपके और मेरे सिवा और मैं यहीं पर हूँ आपके साथ सो so, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग रियलिटी जो सच्चाई है उसको इन वर्ड्स रखना वर्ड्स में हम बोलना उस चीज़ को राइट दिस इज़ ऑल्सो एफेक्टिव पार्ट ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नेक्स्ट वन वॉइसिंग डाउट जैसे पेशेंट कुछ बोल दिया कुछ चीज़ें बता रहे हैं जैसे मेरे घरवाले मेरे को मारना चाहते हैं या फिर मेरे पड़ोसी मेरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं मेरे बॉस मेरी तरक्की से जलते हैं या मेरे कोलीग्स मेरी तरक्की से जलते हैं वो मेरे को स्पेसिफिकली मेरे को आ, नीचे गिराना चाहते हैं तो ऐसे कोई चीज़ पेशेंट जब भी करता है तो उसमें आप अपने डाउट्स हैं जो सवाल हैं उसको उठा भी सकते हैं और उसकी वजह से पेशेंट क्लैरिटी या क्लैरिफाई करता है कि क्यों ऐसे सोच रहा है और क्या चीज़ ऐसे हैं सो दिस इज़ ऑल्सो एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन ये पूरा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का फोकस यहीं पे है कि कम्युनिकेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए रैदर देन कटिंग ऑफ कि वहीं पे कम्युनिकेशन रोकने से बजाय हाँ पेशेंट और बताएं चीज़ें कि क्या वो महसूस कर रहा है और वो कैसे कर सकता है ये सारे टेक्निक्स हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो उसकी मदद से ही ये चीज़ हो सकती है नेक्स्ट वन इज़ वर्बलाइजिंग द एम्प्लायड जो पेशेंट सोच रहा है या महसूस कर रहा है बहुत बार पेशेंट म्यूटिज्म की बात करते हैं हम जहाँ पे पेशेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है या बहुत कम बोल रहा है और जो भी बोलता है नॉन वर्बल तरीके से बोलता है तो वर्बलाइजिंग एम्प्लायड जो पेशेंट जो सोच रहा है उसको हम वर्ड्स में बिंग एन हम वर्ड्स में बताएंगे कि आप ये सोच रहे हो क्या आप ये कहना चाहते हो क्या आपका मतलब ये है आप कहीं पेशेंट ने कुछ इशारा कर दिया तो उस दौरान बोल रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं या ये बोलना चाहते हैं जैसे इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू व्हेन योर वाइफ डाइड इन फायर मतलब जो पेशेंट महसूस कर रहा है उसको हम एक प्रॉपर तरीके से जो एक्सेप्टेबल तरीके से विदाउट अफेंडिंग पेशेंट्स इमोशंस या फिर फीलिंग्स हम उसको वो चीज़ें बता रहे हैं तो जहाँ पे इसको हम बोलते हैं वर्बलाइजिंग द स्ट वन इज अटेम्प्टू ट्रांसलेट वर्ड्स इंटू फीलिंग्स बहुत बार पेशेंट बहुत सारे वर्ड्स बोलता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है लेकिन वो मीनिंगफुल वर्ड्स में आप पुट ऑन कर सकते हैं जैसे कि आई एम वे आउट इन द ओशन ये बोलना चाह रही है कि मैं बीच समंदर में कहीं हूँ ऐसे महसूस हो रहा है या मैं कोई बंद कमरे में कहीं हूँ या अंधेरी वाली जगह में कहीं हूँ तो इसका मतलब यू मस्ट भी फीलिंग वेरी लोनली कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं तो पेशेंट का वर्ड्स जरूरी नहीं है हर बार वही मीनिंग दे लेकिन आप उसको करेक्ट करेक्ट करके रीफ्रेम करके पेशेंट से पूछ सकते हैं कि दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से आप ये बोलना चाहते हैं तो इसी को बोलते हैं अटेम्प्टिंग टू ट्रांसलेट वर्ड्स इन फीलिंग्स जो वर्ड्स उन्होंने बताए हैं उसको प्रॉपर क्या फील कर रहे हैं उसको पुट ऑन करना उसमें ट्रांसलेट करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक है कम्युनिकेशन टेक्निक एंड द फॉर्म फाइनल वन इज फॉर्मुलेटिंग प्लान ऑफ एक्शन फॉर्मुलेटिंग ए प्लान ऑफ एक्शन मतलब अच्छा अगली बार ऐसी चीज होगी तो आप क्या करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं आप तैयार कर रहे हो पेशेंट को कि ऐसी सिचुएशन दोबारा हो सकती है अगर हो सकती है तो क्या करना है उसके लिए भी तैयार कर रहे हो वहीं आप पेशेंट से ही पूछ रहे हो कि क्या करेंगे तो दीज आर द फ्यू थेरेपेटिक टेक्निक्स विच टू बी फॉलोड इन एफेक्टिव कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए नर्स पेशेंट रिलेशन के बीच में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मुलेटिंग ए प्लान ऑफ एक्शन दैट्स द लास्ट वन अभी हम देखते हैं नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स नॉन थेरेपेटिक मतलब अब तक हम देख रहे थे क्या चीजें करनी चाहिए अब यहाँ पे एक बड़ा सा रेड क्रॉस मार्क देख रहे हैं ये बताएगा कि क्या नहीं करना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम बात कर रहे हैं अग्रींग और डिसग्री दैट्स राइट आई अग्री दैट्स रॉन्ग आई डिसएग्री ये आपका अपना ओपिनियन देना हो गया तो ये चीज ना करें उसकी जगह पे आप ये पूछ सकते हैं कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सो तो ये एक ब्रॉड ओपनिंग होगी जहाँ पे पेशेंट एक्सप्लेन करेगा या अपने ओपिनियन रखेगा रैदर देन आपकी ओपिनियंस को फॉलो करने से राइट right? इसको हम बोलते हैं अग्रिंग या डिसअग्री ये चीज़ नहीं करनी है सेकेंड वन इज गिविंग एडवाइस गिविंग एडवाइस आप ओपिनियन दे सकते हैं लेकिन एडवाइस में ऐसे होगा कि मतलब पेशेंट की सोचने की शक्ति खत्म कर रहे हैं आप right? राइट जैसे कि आई थिंक यू शुड डू दिस आपको ये चीज़ करना चाहिए या आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए रादर देन आप ये सोच सकते हैं ये पूछ सकते हैं वॉट डू यू थिंक यू शुड डू कि आप क्या करना चाहोगे आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए तो मतलब एक ब्रॉड क्वेश्चन हो गया जहाँ पे पेशेंट सोचेगा समझेगा चीज़ को और उसके बाद में वो बताएगा कि मुझे लगता है मुझे ये ये चीज़ करनी चाहिए उसमें आप सही चीज़ चुन के उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हैं वो मुझे भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मतलब वो पेशेंट से ही बुलवाएंगे ये ठीक है आप सामने से एडवाइजेस कभी ना दें नेक्स्ट वन इज़ प्रोबिंग प्रोबिंग होता है इंट्रोगेशन सवाल करना बहुत ज़्यादा सवाल करना टेल मी हाउ यूअर मदर अब्यूज यू वैन यू वेयर अ चाइल्ड उसकी जगह पे हम बोल सकते हैं बी अवेयर ऑफ द क्लाइंट्स रेस्पॉन्स एंड डिसकन्टिन्यू द इंट्रैक्शन एट द फर्स्ट साइन ऑफ डिसकम्फर्ट यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रोबिंग बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम एक के बाद एक दूसरा सवाल तीसरा सवाल चौथा सवाल जहाँ पे पेशेंट ऑब्बियसली डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा जैसे ये सवाल में हम पूछ रहे हैं टेल मी हाउ यूर मदर अब्यूज यू कि आपको आपकी माँ ने कैसे प्रताड़ित किया था जब आप छोटे थे तो ज़रूरी नहीं है पेशेंट आपको पूरी डिटेल बताएगा एक सवाल का जवाब दिया दूसरा आपने उसको फर्दर मोर क्वेश्चन किया उसी के रिलेटेड कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी आ जाएगी जहाँ पे वो ऑफेंड हो जाएगा और वो बताना नहीं चाहेगा ठीक है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि किस तरह से आप अपने सवाल पुट ऑन करेंगे राइट नेक्स्ट वन इज डिफेंडिंग राइट यू हैव अ वेरी कैपेबल फिजिशियन आई एम श्योर ही ओनली हैज़ यर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड डिफेंडिंग का मतलब हो गया कि आप किसी दूसरे के लिए बात कर रहे हो नहीं ये चीज नहीं करना है उसकी जगह पे हम बोल रहे हैं आई विल ट्राई टू आंसर यूर क्वेश्चन एंड क्लैरिफाई सम इशूज रिगार्डिंग यूर ट्रीटमेंट मैं इसके बारे में पता करके आपको बताऊंगी कि क्या होगा रैदर than आप उस चीज़ को ले कोई कोई एक्शन हो जाता है फॉर एग्जांपल आप ड्यूटी पे हो और उस दौरान आपके पिछले वाले नर्स ने जो भी शिफ्ट में थे तो उन्होंने कोई चीज़ गलत ही कर दी या कुछ और कर दिया तो उस दौरान आप उनको डिफेंड ना करें डिफ़ेंड करने के चक्कर में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट की वजह से आपका और पेशेंट का रिलेशनशिप खराब हो सकता है तो इससे बढ़िया ये होगा कि आप बोले कि मैं वापस आके आप चेक करती हूँ चेक करके आपको वापस आके कम्युनिकेट करूँगी क्या चीज़ है राइट सो नेवर डिफेंड नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन पूछना अच्छा आपने ये चीज़ क्यों की ऐसे क्यों किया है ऐसे नहीं करना चाहिए नहीं आप एक्सप्लेनेशन मत मांगिए एक्सप्लेनेशन वाई डिड यू डू दैट यही ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्यों किया आपने ऐसे उसकी जगह आप पूछ सकते हैं डिस्क्राइब वॉट यू आर फीलिंग जस्ट बिफोर दैट है आप ये बताइए कि मतलब आपने ये चीज की तो उससे पहले आप क्या सोच रहे थे क्यों ऐसे हुआ मतलब ये कहीं ना कहीं एक उनका आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें दिखाई देगा एंड पेशेंट आपसे एक बेटर रिलेशनशिप बना के रखेगा राइट नेक्स्ट वन इज इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर राइट वॉट मेड यू सो एंग्री लास्ट नाइट उसकी जगह जैसे कि मतलब पिछली बार आप कल रात तो अपने इतना गुस्सा क्यों हुए थे वहीं पर हम ये बोल सकते हैं कि यू बिकेम एंग्री वेन यूर ब्रदर इंसल्टेड यूर वाइफ राइट इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर रहे हैं आप ठीक है एंड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर नेक्स्ट वन इज बी लिटलिंग फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड इसमें देखिए एवरीबडी गेट्स डाउन इन द डम्प्स एट टाइम्स आई फील दैट वे माई सेल्फ सम्स ठीक है जो भी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको अपने आप पे ना बोले कि हाँ ये हर एक के साथ होता है हर एक बंदा ऐसे महसूस करता है हमारे साथ भी ये चीज़ होती है नहीं नेवर ये कंपैरिजन देने नहीं है आपको राइट right? पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास उसका इलाज है या फिर आप एक सपोर्टिव वे में कम्युनिकेट करेंगे रैदर देन ये बताना कि मैं खुद ऐसे प्रॉब्लम से जूझ चुकी हूँ मेरे में भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हर इंडिविजुअल की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होती है इसका मतलब वहीं पे वो एंड हो गया राइट right? तो ये चीज़ ना करें इसकी जगह आप बोल सकते हैं यू मस्ट बी वेरी अपसेट टेल मी वॉट यूर फीलिंग राइट नाउ जहाँ पे अगेन एक ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे बोल रहे हैं यू मस्ट बी वेरी अपसेट ये जो चीज़ हुई है इसकी वजह से आप काफ़ी अपसेट लग रहे हैं और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो उस दौरान आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं मैं सुनूंगी आपको या फिर मैं सुनूंगा आपको तो ये चीज़ बोलना ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग स्टीरो स्टीरो टाइप कमेंट्स ठीक है हैंग इन देयर इट्स फॉर योर ओन गुड मतलब ऐसे कमेंट्स ना करें हैंग इन देयर का मतलब हो गया कि वहीं लटके रहो तो ऐसे वाले वर्ड्स इस्तेमाल ना करें तो जैसे हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ऐसे स्टीरियोटाइप्स कमेंट्स ना करें जिसका मतलब कुछ और निकलता हो राइट वर्ड्स का मतलब कुछ और निकलता हो वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें नेक्स्ट वन इज यूजिंग डिनाइल जहां पे बोल रहे आई एम नथिंग पेशेंट बोल रहा है, आई एम नथिंग मेरा कुछ नहीं हो सकता मतलब कंप्लीट हेल्पलेस होपलेस दिखा रहे हैं वहां पे आप बोल रहे हैं ऑफकोर्स यू एर सम एवरीबडी ठीक है यूजिंग डिनायल जहां पे पेशेंट डिनायल मोड में है उसको आप बोल रहे हैं नहीं पेशेंट कह रहा है नहीं मैं कुछ नहीं हूँ मेरे से कुछ नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकती तो आप उसको ये बोले कि नहीं सब कुछ ना कुछ तो है मैं भी कुछ हूँ आप भी कुछ हूँ ये ना बोलें इसके जगह आप बोल सकते हैं यू आर फीलिंग लाइक नो वन केयर्स अबाउट यू राइट नाउ क्योंकि आई एम नथिंग या फिर मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही है मेरे से नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं आप उनको उसी इंडिकेशंस को एक प्रॉपर तरीके से बताइए कि आप अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं इस दौरान मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनाने में भी मददगार होता है नेक्स्ट वन इज इंटरप्रटिंग ठीक है इंटरप्रटिंग वॉट यू रियली मीन इज बेटर टेक्निक द नर्स मस्ट लीव इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लाइंट्स बिहेवियर टू द साइकेट्रिस्ट the nurse has not been prepared to perform this technique and an attempting to do so may endanger other nursing roles with the client Interpreting मतलब होता है कि आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि शायद यही हो सकता है शायद ये चीज़ हो ये चीज़ है पेशेंट के साथ ठीक है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं बीइंग ए सिकेट्रिक नर्स हमारा काम है केयर करना ना कि पेशेंट की कंडीशन को uh, आइडेंटिफाई करना या फिर उसकी बीमारी को इंटरप्रेट करना कि हाँ यही चीज़ हो सकती है तो इसके वजह से जो नर्सिंग रोल्स हैं उसमें भी या फिर एक रिलेशनशिप बना हुआ है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है तो इसीलिए इंटरप्रेटिंग कभी नहीं करना का जो हमें टास्क दिए गए हैं जो असाइन किए गए हैं सिर्फ उसी के ऊपर हमें फोकस करना है लास्ट वन इज़ इंट्रोड्यूसिंग एन अनरिलेटेड टॉपिक अनरीटेड टॉपिक जिसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है उस टॉपिक्स को हम इंट्रोड्यूस ना करें जैसे कि आई डोंट हैव एनी थिंग टू लिव फॉर डिड यू हैव विजिटर्स दिस वीकेंड ठीक है तो दोनों एक बहुत सीरियस नोट पे बात चल रही है जहाँ पे पेशेंट बोल रही है कि मुझे अभी रहने के लिए कुछ है नहीं मुझे जीने के लिए कुछ कोई उम्मीद नहीं है या फिर जी के मैं क्या करूँगी उस दौरान हम इरेवेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वो भी एक सही टेक्निक नहीं है उस दौरान हम ये कह सकते हैं रिमेन ओपन एंड फ्री टू हियर द क्लाइंट टू टेक इन ऑल दैट इज़ बींग कन्वेड बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली उस दौरान आपको प्रॉपरली सुनना है सुनने की टेक्निक जैसे यूजिंग साइलेंस वोकल क्यूज यह सारे ये सारे अप्लाई करके सुनना है जहाँ पेशेंट आपको कुछ सीरियस टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहता है ही इज़ फीलिंग सो लोनली और शी इज फीलिंग सो लोनली कि आपको एक्सप्लेन करना चाहती है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है उस दौरान आप कोई ए टॉपिक या कोई बेतुका टॉपिक जिसका कोई उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन वहीं कट ऑफ हो जाएगा तो इसीलिए इन टेक्निक्स का भी ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दीज आर ऑल वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नॉन थेरापेटिक टेक्निक्स जो कि हमें नहीं करनी चाहिए राइट सो दिस इज़ वॉट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थेरापेटिक Uh, communication and non-therapeutic communication. Thank you.